आज तक आपके साथ मैंने यहाँ बात हम बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी का विमान अराकोणम नेवल बेस में उतरा है और यहां से उन्हें चेन्नई के हवाई सर्वेक्षण के लिए ले जाया जाएगा, जिससे प्रधानमंत्री हालात का जायजा लेंगे। कौन से वो इलाके हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, लो लाइंग एरियाज कौन से हैं और किस तरह से इस वक्त चेन्नई की पूरी सूरत है, ये हवाई सर्वेक्षण के जरिए प्रधानमंत्री जानना चाहेंगे। अराकोणम में नेवल बेस है जहां से प्रधानमंत्री उड़ान भरेंगे और जायजा लेंगे। आज सुबह दिल्ली से रवाना हुए थे चेन्नई के लिए प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह ने भी लोकसभा में ये बताया था कि आज चेन्नई का जायजा लेने प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री की कोशिश रहेगी कि वो हवाई सर्वेक्षण के जरिए ये जान सकें कि चेन्नई के हालात इस वक्त किस तरह से हैं, कहां कहां पर पानी भरा हुआ है। हालांकि पूरा का पूरा चेन्नई इस वक्त डूब चुका है, सदी की सबसे भयानक बारिश से जूझ रहे चेन्नई की मदद के लिए तमिलनाडु सरकार ने सेना को दो टूक कहा है कि उसे पीने का पानी, दवाओं और खाने की जरूरत नहीं है, सेना सिर्फ राहत और बचाव में अपना पूरा ध्यान लगाए। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार का ये कहना है कि उसके पास पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं हैं, इसलिए सेना को राहत और बचाव कार्य पर अपना फोकस रखना चाहिए, पूरा का पूरा ध्यान वही रखना चाहिए। जहां तक दवा और खाने की जो सुविधाएं हैं उस पर तमिलनाडु सरकार ने मदद से इनकार कर दिया है। खाना, पानी और मेडिकल सुविधाएं तमिलनाडु सरकार मुहैया कराएगी। सेना से कहा गया है कि वो अपना ध्यान सिर्फ राहत और बचाव के कामों पर लगाएं। तमिलनाडु सरकार ने मदद देने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि खाना, पानी और दवाएं वो खुद मुहैया कराएंगी, लोगों तक पहुंचाएंगी, पर्याप्त सेवाएं मुहैया कराने के लिए तत्पर हैं। इसके लिए सेना की जरूरत उन्हें नहीं है, सेना की जो पूरी टीम है, उनके जो जवान हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद रहे राहत और बचाव के कामों में, अलग अलग जगहों पर पहुंचे, वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बोट और नाव के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करें। अब आपको ये बता दें कि चेन्नई में लोगों की मदद के लिए सेना ने ऑपरेशन मदद चलाया है और अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई का हवाई सर्वेक्षण शुरू करने की तैयारी कर चुके हैं। वहीं राहत के लिए पहुंचे सेना के हेलीकॉप्टर को देखते ही लोग छतों पर जमा हो गए और राहत सामग्री का इंतजार करने लगे, क्योंकि राहत सामग्री धीरे धीरे पहुँच पा रही है और लोग यहाँ पर कई दिनों से फंसे हुए हैं। दो दिन बहुत ही मुश्किल से लोगों के गुजरे हैं, छतों पर गुजरे हैं, अपने घरों की ऊपरी मंजिल पर गुजरे हैं, क्योंकि नीचे पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में मुश्किल हो रही है। और नेवी का जो ऑपरेशन मदद है वो काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। एयरपोर्ट की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरह से पूरी हवाई पट्टी इस वक्त डूब चुकी है और साथ ही एयरपोर्ट के भीतर भी पानी पहुँच चुका है। तो पीएम करेंगे हवाई सर्वेक्षण और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस वक्त हालात हैं चेन्नई में। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे चेन्नई की त्रासदी की भयावह से भयावह तस्वीरें सामने आ रही। चेन्नई का संकट कम होता नहीं दिख रहा है, शहर में सड़कें पानी में डूब चुकी हैं और लोग उसी पानी में सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सेना के जवान भी हालांकि मदद कर रहे हैं, बोट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों को पहुंचा रहे हैं। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि लोग एटीएम से पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। ताज़ा तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोग बमुश्किल सड़क को पार कर पा रहे हैं, क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। ऐसे में एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं और सेना के जवानों की भी मदद ली जा रही है। 269 लोग ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं चेन्नई की इस बाढ़ में। दाने दानों को कई लोग मोहताज हो चुके हैं, क्योंकि कई बाज़ार इस वक्त बंद हैं, लोगों के पास सामान खरीदने तक को पैसा नहीं है, एटीएम भी बंद कर दिए गए हैं और कई इलाकों में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। मोबाइल के जरिए भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, मोबाइल नेटवर्क भी 40% तक काम नहीं कर रहे हैं। तो बाढ़ से इस वक्त जो लोग परेशान हैं वो अपना ज़रूरी सामान लेकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और सेना के जवान जो वहां पर पहुंच चुके हैं वो भी लोगों की मदद कर रहे हैं। कई लोगों को उठा कर ले जाना पड़ रहा है, जो लोग खुद से चलने में सक्षम नहीं है उन्हें सेना के जवान इस वक्त हाथ दे रहे हैं। तो ये बोट से लोगों को एक जगह से ले जाने की तैयारी की जा रही है। लोगों के घरों में अब पानी घुस चुका है और वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें देखिए इस तरह से सेना के जवान मदद कर रहे हैं, क्योंकि कई महिलाएं ऐसे हैं, कई बूढ़े और बच्चे ऐसे हैं जो चेन्नई
ये डिफेंस कॉलोनी है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए थे कल से, और सेना के लोग कल से यहाँ पहुंचे हैं। और आज क्योंकि बारिश थोड़ी कम हुई है और इसीलिए राहत और बचाव का जो काम है उसको तेज किया गया है। इस इलाके में कल से लेकर अब तक 250 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। और ये जो आगे का इलाका आप देख रहे हैं, ये पूरा डिफेंस कॉलोनी का इलाका है। बड़ी संख्या में जो सेना से जुड़े लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। और आगे अडियार नदी है जो कि चेन्नई की प्रमुख नदी है, उसका ये पानी का बहाव है। और सेना के मुताबिक अभी भी आगे का 1.5 किलोमीटर का इलाका है और पानी का जो बहाव है वो काफ़ी तेज है और बड़ी संख्या में वहाँ पर अभी भी लोगों को निकाला जाना बाकी है। कैमरामैन कृष्ण कुमार के साथ मंजीत नेगी, चेन्नई आज तक। पर जारी है आज तक की नॉनस्टॉप कवरेज। अब से कुछ देर पहले संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि चेन्नई में अगले एक हफ्ते तक BSNL अपनी मुफ्त सुविधाएं देगा। ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि चेन्नई के लोग पर। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गैजेट्स एंड गिज़्मोज़। माय नेम इज गौरव प्रेती एंड दे कॉल मी लुक्स मैटर दे से एंड देन यू रियलाइज दैट वाज द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल। आई फेल फॉर दोज लुक्स।